इन तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी ने ममता राज पर सवाल उछाला। सवाल ये कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री एक महिला हैं, उसी राज्य में महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं? क्यों संदेश खाली की महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा? क्यों संदेश खाली में महिला सुरक्षा की धज्जियां उड़ाई गईं? क्यों महिलाओं को इंसाफ की आवाज बुलंद करनी पड़ी? टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। बंगाल में चुनावी युद्ध का मिजाज समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ संदेश खाली है जहां महिलाओं की जमीन छीनी जाती रही, यौन उत्पीड़न होता रहा, आरोपी सत्ता की छत्र छाया में 55 दिनों तक बचता रहा, और संदेश खाली से 75 किलोमीटर दूर की यह दूसरी तस्वीर 12/7 की है जहां पीएम मोदी का इस अंदाज में सम्मान होता है। और फिर मोदी बंगाल की माँ बेटियों को अपना परिवार बताकर विरोधियों को बहुत कुछ बता देते हैं। जरा यहां आकर के नजर डाले, मेरे देश की ये बहने जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई है, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार, यही तो है मोदी का परिवार। एटाई तो आमार परिवार। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने हर तरीके का कोशिश की थी शाहजहां को रोकने के लिए कि उसको सीबीआई के हाथ में नहीं दिया जाए, लेकिन भारतवर्ष की जुडिशियरी ने फिर से एक बार प्रमाण कर दिया कि भारत के संविधान बहुत शक्तिशाली है और वो ऐसे क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश करते हुई राजनीतिक पार्टियों को माफ नहीं करती। पीएम मोदी एक बार फिर बंगाल के मोर्चे पर पूरी ताकत से उतरे हैं। 2019 में बंगाल में बीजेपी की सीट बढ़ी, कमल का ग्राफ बढ़ा, लेकिन इस बार बीजेपी ज्यादा बड़ी जीत की तलाश में है। 370 का टारगेट पूरा करना है तो बंगाल